बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको कैसियो FX5800P के बारे में बताऊंगा कि आप इसके अंदर इसकी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं और इसकी बेसिकली नॉलेज बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन इसके बेसिकली फंक्शंस के मुतालिक कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बेयरिंग डिस्टेंस का प्रोग्राम मैंने इधर इंटर किया हुआ, यही प्रोग्राम मैं आगे आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद आपको प्रोग्राम की फीडिंग करने के मुतालिक पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा कि आपने इसके अंदर प्रोग्राम अपना कैसे फीड करना है और उसे क्या फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो मेरे साथ ही रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक बेयरिंग डिस्टेंस का प्रोग्राम है, इसका पूरा फॉर्मेट ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से कैलकुलेटर के अंदर इंटर करना है और इंटर करने के बाद इसके प्रोग्रामिंग को फाइनल कर देना है। तो ये आगे हम इसको बताऊँगा मैं आपको कि आपने कैसे ये सारा प्रोग्राम अपने कैलकुलेटर के अंदर इंटर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी किसी बेसिक्स नॉलेज के बारे में बता दूं, इसको आपने कैसे यूज़ करना है। ये ऊपर इसके मोड का बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने इसके मुख्तलिफ मोड्स वगैरह जो है उसके प्रोग्रामिंग के सारे इसके ऑप्शन इधर आप ओपन हो जाएंगे। इसी तरीके से शिफ्ट और मोड को आप प्रेस करेंगे तो इसका सेटअप ओपन हो जाएगा। MPH, IO, लाइन, डिग्री, रेड, ग्राड, फिक्स, सेकेंड और नॉर्मल। तो ये आप इधर से जो सा बटन आप प्रेस करेंगे वो उधर सेट हो जाएगा। मैं जैसे 3 नंबर प्रेस करूँगा तो इधर मेरे सामने डिग्री का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इधर से कोई फिगर फिक्स करना चाहता हूँ, 0 से लेकर 9 डिजिट तक मैं फिक्स कर सकता हूँ। जैसे मैं जो भी 6 फिगर मैंने जैसे सिलेक्ट किए, 5 फिगर, तो ये आप देखेंगे शारजे के बाद 5 आ गए। उसके बाद दोबारा 6 को आप फिक्स कर दें और जैसे मैं इसको 3 करता हूँ तो ये आपके सामने इशारिया के बाद 3 डिजिट्स वगैरह सारे आ जाएंगे। तो इस किस्म का थोड़ा बहुत इसकी बेसिक्स ही हैं, बेसिक नॉलेज है। इसके बाद फंक्शंस को आप क्लिक कर दें तो सबसे ऊपर आपके पास मैथ आ जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स है, फिर प्रोग्रामिंग है, फिर उसके बाद कांस्टेंट है, एंगल है, CRL है, क्लियर स्टेट है और मैट्रिक्स है। तो आपने 1 प्लस करेंगे तो ये आपके सामने उसके मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे जो कि आपने हमने इसके प्रोग्रामिंग फीड करते हुए यूज़ करने। इसी तरह आपने एग्जैक्ट करके उसको वापस आ जाना है। 2 प्लस करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर जिसके एब्सोल्यूट RG कॉन्स्टेंट उसकी मुख्तलिफ कमांड्स आ जाएंगे। 3 नंबर के ऊपर जो प्रोग्रामिंग है वो जब हम प्रोग्राम ऐड करेंगे तो उसके अंदर आ जाएंगे कॉन्स्टेंट है, इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह। इसी तरीके से एंगल आप 5 नंबर प्रेस करेंगे एंगल आ जाएगा, डिग्री, रेडियन, ग्राड और DMS ये आप जो से नंबर प्रेस करेंगे तो वही साइन आपके सामने फिगर के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह 6 नंबर के ऊपर CRL ये क्लियर मेमोरी वगैरह है। इधर से आप जो किसी भी किस्म की मेमोरी वगैरह क्लियर करना चाहते हैं वो आप इधर से क्लियर कर सकते हैं 6 नंबर के ऊपर। जिस तरह मेमोरी है इधर 2 आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जितनी भी मेमोरी इसके अंदर होगी जो आर्जी तौर पर सेव हुई है तो सारी ख़त्म हो जाएंगी, स्टेट है। इसी तरीके से ये इसकी मुख्तलिफ पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है सारी। ये हम अपना जब प्रोग्राम ऐड करते हैं तो उसके अंदर इस सबको यूज़ करेंगे इस हिसाब में। तो ये आपके पास इन इन जगहों के ऊपर ये चीज़ें पड़ी होती हैं, आपने इन बटन को प्रेस करके इधर से उनको यूज़ करना है। इन सारे प्रोग्राम को एग्जैक्ट कर दें, उसके बाद एस्केप कर दें, AC प्रेस कर देंगे तो ये आपका पास देखेंगे डिग्री के अंदर है और इधर फिक्स जो हमने किया था उसके साइन वगैरह इधर ऊपर आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले मोड को आपने क्लिक कर देना है तो आपने 5 नंबर के ऊपर आपने देखना है, ये आपका PROG प्रोग्रामिंग है आपकी। तो आपने इधर से 5 नंबर प्रेस करना है तो आपके सामने इधर 1 नंबर के अंदर न्यू, 2 नंबर के अंदर रन, 3 नंबर के अंदर एडिट, 4 नंबर के ऊपर डिलीट, ये पूरे इसके प्रोग्रामिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। आप 4 नंबर प्रेस करेंगे तो जैसे डिलीट फाइल, जो प्रोग्राम आप डिलीट करना चाहते हैं या सारे प्रोग्राम डिलीट करना चाहते हैं, जैसे 1 और 2 प्रेस करेंगे तो जैसे ये डिलीट हो जाएंगे। येस के लिए एग्जीक्यूट है, नो के लिए एग्जिट है, तो इधर से सारे प्रोग्राम आपके इधर से डिलीट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये मेन्यू के अंदर नीचे आपको उसके बाइट्स नज़र आ रहे हैं, फ्री बाइट्स के आप कितना प्रोग्राम इसके अंदर भर सकते हैं उसी बाइट्स के हिसाब से उसकी फिगर आपको इधर से नज़र आएगी। उसके बाद आपने दोबारा प्रोग्रामिंग के ऊपर आ जाना है और जैसे आपने जिस टाइम आप फाइल को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इधर आपके सामने कोई फाइल नहीं है। आपने जैसे मोड को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद 5 को प्रोग्रामिंग के अंदर दोबारा आना है। आने के बाद 1 नंबर प्रेस करके न्यू के अंदर आ जाना है। आप 1 प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने सबसे पहले ही दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में आपने इस प्रोग्राम का नाम इंटर करना है। नाम इंटर करने के लिए आपने शिफ्ट और अल्फ़ा को प्रेस कर देना है। शिफ्ट और अल्फ़ा को प्रेस करेंगे तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर आपको रेड कलर, पिंक कलर के अंदर अल्फ़ाबेटिक नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे, उसी तरीके से चलेंगे। आपने शिफ्ट और अल्फ़ा को प्रेस करना है तो उसके बाद ये कंटिन्यू आपका इधर से सारा प्रोग्राम चलेगा सारा का सारा। तो इसी तरीके से अभी हम इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने इधर
लेफ्ट साइड के ऊपर इसका प्रोग्राम नज़र आ रहा है, इधर प्रोग्रामिंग नहीं है, आपने 5 नंबर के ऊपर प्रेस कर देना है और इधर से प्रोग्राम्स के अंदर आ जाना है और इधर से 1 प्रेस करना है और 1 प्रेस करने के बाद इसको इंटर कर देना है इधर से। तो इसी तरीके से इसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, 1 प्रेस करें और इधर से आपने शिफ्ट और अल्फा प्रेस करने के बाद प्रोग्राम का नाम इंटर कर देना है। ऊपर मेरे पास बेरिंग है, डिस्टेंस है, आप BRG और डिस्टेंस आप इधर इसका लिख दें, क्योंकि प्रोग्राम इधर हमारे पास इसके बाइट्स वगैरह हमने बचाने होते हैं, आपने कोशिश करनी इसके नाम मिनिमम हाथा कर रखें। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट कर देना और नंबर 1 के ऊपर कंपोज के ऊपर आपने इधर से क्लिक कर देना। उसके बाद शिफ्ट मोड को आपने प्रेस करना है और जैसे 3 नंबर को डिग्री DEG को आपने इधर से सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने इसका डबल डॉट लगा देना है, अल्फा के पास अल्फा को प्रेस करके और डबल कॉमास के लगा देना। उसके बाद शिफ्ट अल्फा करना है और आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है STA और साथ उसके E लगा देना है और अल्फा F करके इज इक्वल टू आपने इधर से प्रेस कर देना है और उसके बाद डबल कामा लगा देना है और इधर से फंक्शंस को आपने प्रेस करना है और 3 नंबर को आपने प्रेस करना है और इधर आप देखेंगे फर्स्ट नंबर के ऊपर आपके पास इसका साइन आ रहा है। इसी तरीके से इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है, तो आपने फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करके आपने सवालिया निशान को इधर लगा देना है, क्वेश्चन मार्क कर देना है और उसके साथ आपने उसको A नंबर के साथ उसको लगा देना है। इसी तरह शिफ्ट प्रेस करके आपने डॉट इसके डबल डॉट इसके लगा देना है। तो ये इस तरीके से आपने स्टेशन ई उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी है, सेम टू सेम आगे आपने यही लिखना है और उसके आगे आपने स्टेशन की N लिखनी है। STA लिखने के बाद आपने इधर N लगा दें और उसके बाद अल्फा प्रेस करके RCL के ऊपर से इसका इज इक्वल टू लगा दें और इसी तरह अल्फा प्रेस करके डबल कामा लगा दें और फंक्शंस को आप क्लिक कर रहे हैं और 1 प्रेस करके इसका क्वेश्चन मार्क इधर लगा दें और उसको उसके बाद आपने B उसका नाम इंटर कर देना है। उसके बाद डबल डॉट लगाने के बाद इसी तरीके से सेम टू सेम आप आगे आ जाएं, डबल कॉमा लगाएं और आगे आप देख सकते हैं स्केल फैक्टर, तो आपने इधर से स्केल फैक्टर उसके ऊपर इधर से इंटर कर देना है जिस तरीके से ये आपको लेफ्ट साइड के ऊपर फार्मूले के ऊपर नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपने इसके अंदर एडिटिंग और कंपोजिंग करते जानी है। तो इसी तरह स्केल फैक्टर आप इधर से लिख लें, लिखने के बाद आपने इसका इक्वल टू लगा दें अल्फ़ा के साथ। अल्फ़ा का आपको इधर पिंक बटन नज़र आ रहा है और शिफ्ट का आपके पास येलो है, तो उसके इसी हिसाब में ऊपर आप देखेंगे नंबर्स के ऊपर इधर आपके साइन बने हुए होंगे। जो येलो कलर का होएगा वो शिफ्ट के साथ होएगा और जो पिंक कलर का होएगा वो अल्फ़ा के साथ चलेगा। तो आपने इसी तरीके से इक्वल टू करने के बाद डबल कॉमा क्वेश्चन मार्क करने के बाद इसको S के नाम से आप इसका नाम दे दें S, उसके बाद आपने इक्वल टू प्रेस कर देना है। एग्जीक्यूट आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके पास ऊपर इसका तीर का निशान बन गया, इंटर हो गया। इसके बाद आपने दोबारा फंक्शंस के अंदर आ जाना है और इधर से आपने 7 नंबर के अंदर LBL इधर आपको नज़र आ रहा है, आपने 7 को इधर से प्रेस करना है तो LBL आ जाएगा। इसके साथ आपने 0 लगा देना है स्पेस छोड़ के और इसी तरीके से डबल डॉट लगाने के बाद अल्फ़ा प्रेस करके डबल कॉमा इसके ऊपर आप लगा दें। उसके अंदर आपने पॉइंट ई आपने लिखना है, आपने सेकंड पॉइंट जो आपने इसके अंदर इनपुट देना है तो उस पॉइंट की आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। पॉइंट ई लिखने के बाद डबल कामा और इसी तरीके से डबल कामा लगाने के बाद आपने फंक्शंस को प्रेस करना है और जैसे 1 नंबर प्रेस करके क्वेश्चन की साइन आपने लगा देनी है और उसको सी के नाम से आपने दे देना है और उसके बाद डबल डॉट लगाने के बाद फिर दोबारा आपने डबल कामा लगाना है और पॉइंट एन की डिस्क्रिप्शन आपने इसके अंदर लिख देनी है इस ब्रैकेट के अंदर और इसी तरीके से इज इक्वल टू लगाएं और डबल कामा आपने लगाना है और लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क कर दें, फंक्शन के अंदर आने के बाद 1 प्रेस कर दें और इसका नाम दे दें इधर से डी का। आप ऊपर सेल्फा प्रेस करके इसके साथ डी लगा दें और उसके बाद एग्जीक्यूट का बटन आप प्रेस कर दें। तो ये हमारे पास अभी इनपुट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 स्ट्रिंग नॉर्थिंग स्केल फैक्टर और नेक्स्ट पॉइंट की स्ट्रिंग नॉर्थिंग थी। तो ये इसके बाद हमने इधर फार्मूला एंटर करना है, आपने डबल कॉमा लगा देना है अल्फा की मदद से और इधर आपने जो आउटपुट आपकी आनी है तो हमारे पास इधर बेरिंग आएगी। सबसे पहले तो आपने इधर से बेरिंग आपने इधर टाइप कर देनी है, बेरिंग आप इधर लिख लें कीपैड की मदद से और डबल कॉमा लगाने इक्वल टू कर दें और डबल कॉमा लगा दें और उसके बाद डॉट लगा दें शिफ्ट की मदद से और फंक्शंस को आप प्रेस कर दें और फंक्शन को प्रेस करने के बाद आपने 2 नंबर के ऊपर आ जाना है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो आप ये देखेंगे ऊपर आपके पास ARG की कमांड इधर लगी हुई है, तो आप इधर से 2 प्रेस करके ARG लगाएंगे, साथ एक ब्रैकेट आ जाएगी, आपने एक ब्रैकेट इसके अंदर और ऐड करनी है और उसके बाद आपने B जो हमने ऊपर बनाया था B-D कर दें और इसी तरीके से आप इसकी ब्रैकेट क्लोज करें, प्लस का निशान लगा के नेक्स्ट ब्रैकेट को स्टार्ट कर दें और A-C कर दें।
तो ये हमारे पास इसकी बेयरिंग का फार्मूला आ जाएगा। अदर इसी तरीके से आपने जैसे आई वाला बटन प्रेस करके उसकी ब्रैकेट क्लोज करके प्लस 180 कर दें, तो ये बेयरिंग हमारे पास डिग्री मिनट सेकंड के ऊपर आएगी। तो आपने जैसे 5 नंबर को प्रेस करना है, एंगल के अंदर आना है, और इधर से 4 नंबर को आपने प्रेस कर देना है, जो कि डिग्री मिनट और सेकेंड जो आपका जवाब देगा वो आप वो कैलकुलेटर वो आपका डिग्री मिनट्स और सेकंड के अंदर देगा। इसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करने के बाद इधर से ये ट्रायंगल वाले बटन को आपने क्लिक कर देना है कि हमारा फार्मूला भी इधर से कंटिन्यू जा रहा है। तो उसके बाद आपने ब्रैकेट अल्फा करने के बाद डबल कामा लगा दें और इधर से आप DIST डिस्टेंस लिख दें या पूरा DIST डिस्टेंस लिख दें, उसके बाद डबल कामा लगा दें, और लगाने के बाद आप ब्रैकेट इक्वल टू लगा दें, इक्वल टू लगाने के बाद डबल कामा और उसके बाद डॉट लगा दें, और इसी तरीके से आपने फंक्शंस को प्रेस कर रहे हैं और इधर से 2 नंबर के ऊपर आ जाएं, और इधर से ABS एब्सोल्यूट की कमांड को आपने सेलेक्ट कर दें। 1 प्रेस करने के बाद इधर से आपने एक ब्रैकेट और ऐड करनी है, और उसके बाद आपने B-D कर देना है, और उसकी ब्रैकेट को आप इधर से क्लोज कर दें, प्लस का निशान लगा दें, और ब्रैकेट एक और स्टार्ट कर दें, और इसी तरीके से ए अल्फा प्रेस करके A-C कर दें। करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें, और इधर से आई का निशान जो आपके पास बना हुआ है उसको प्रेस करने के बाद आपने इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दें, और डिवाइडेड बाई का साइन आप लगा दें, और इसके साथ आपने प्लस एस कर देना है, डिवाइडेड बाई एस कर देना है, स्केल फैक्टर को हमने एस के नाम से दिया था। उसके बाद आपने इसी तरह शिफ्ट बनाने के बाद आपने ट्रायंगल के निशान को इधर से प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने फंक्शंस के ऊपर आना है, और इधर से आपने दोबारा 8 नंबर के ऊपर गो टू वाली कमांड है, गो टू आपने 0 कर देना है कि ये कैलकुलेशन करने के बाद दोबारा 0 के ऊपर चला जाए। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट प्रेस कर देना है। तो ये हमारा बेयरिंग एंड डिस्टेंस का जो प्रोग्राम था कैलकुलेटर के अंदर, वो हमने इधर से सेव कर लिया है। इसके बाद आपने मोड को प्रेस करना है, और 1 दबा के आपने एडिटिंग मोड से बाहर आ जाना है। उसके बाद आप फाइल्स के बटन को क्लिक करेंगे तो देखेंगे सामने बेयरिंग डिस्टेंस का प्रोग्राम आ गया है। इधर सामने पहले जो कुछ भी नहीं था, इसके अंदर जितने प्रोग्राम होंगे आ जाएंगे, आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ऊपर आपके पास स्टेशन की ईस्ट का वो पूछ रहा है इधर से, तो आपने स्टेशन की जो ईस्ट आपके पास होगी वो आपने इधर से एंटर कर देनी है, 250.36.789 इस लिखने के बाद आपने एग्जीक्यूट प्रेस कर देना है। उसके बाद नॉर्थिंग की वैल्यू देनी है 1126.577, उसके बाद आपने एग्जीक्यूट करने के बाद स्केल फैक्टर आपने 1 का दे देना है। या आपके पास अगर GPS के कोऑर्डिनेट से लगे हैं उसके अंदर स्केल फैक्टर जो भी दिया गया है आप इधर से उसका स्केल फैक्टर दे सकते हैं। उसके बाद आपने जिस पॉइंट के ऊपर बेयरिंग कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दें, 25268.44525 इंटर कर दें, और इसी तरीके से उस पॉइंट की आपने नॉर्थिंग दे देनी है 1336.8287 और इंटर कर दें, एग्जीक्यूट कर दें। तो आप देखेंगे आपके सामने बेयरिंग आ गई है 46 डिग्री 47 डिग्री 46 मिनट्स और 22.98 सेकंड, और इसी तरह उसका डिस्टेंस 312.842। तो अभी आपने इसको एग्जीक्यूट करता जाना है, और आगे से जो जो से पॉइंट्स आपके पास हैं जिनकी आपने बेयरिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करनी है, जस्ट उसी पॉइंट का आपने इधर से उसकी नॉर्थिंग और ईस्टिंग इधर से एंटर करनी है, तो ये आपके सामने उसकी बेयरिंग एंड डिस्टेंस आती जाएगी। तो इसी तरीके से ये आप प्रेस करते जाएंगे, और जितने भी आपने लेआउट्स करने हैं, सेंटर लाइन लगानी है, जो भी बेयरिंग डिस्टेंस करना चाहते हैं इस प्रोग्राम की मदद से वो आप कर सकते हैं। जैसे जस्ट आपने उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आ रहा है, जिस तरह से आपने सेंटर लाइन का 0+00 0+20 0+50 वाली जो आईडी होगी, जो से कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपने जस्ट इधर से उनको एंटर करना है। करने के बाद एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो आपके पास बेयरिंग और डिस्टेंस आता जाएगा, जिसकी मदद से आप अपनी लेआउट्स वगैरह सारी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बेयरिंग डिस्टेंस का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। आपने AC दबा के एग्जिट कर देना है। उसके बाद दोबारा आप ये देखेंगे कि आप प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो आपके पास लास्ट साइड वाली उसकी वैल्यूज़ वगैरह इधर आई हुई हैं, उनको आपने इधर से फंक्शंस के बटन को क्लिक करना है, और 6 नंबर के अंदर क्लियर के अंदर चला जाना है, और 2 नंबर प्रेस करके एग्जीक्यूट कर देना, तो आपकी मेमोरी इधर से साफ़ हो जाएगी। और अभी आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो उधर आप देखेंगे 00 इधर से आ रहा है। तो ये आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इस तरीके से क्लियर के अंदर जाने के बाद इसकी मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह आप 5 नंबर के प्रोग्राम के अंदर दोबारा आ जाएं, और एडिट के अंदर अगर आप प्रोग्राम को एडिट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से एडिट के बटन को क्लिक कर दें, और बेयरिंग डिस्टेंस वाला प्रोग्राम ओपन कर लें। इधर आप देख सकते हैं नीचे हमने इधर डिस्टेंस लिखा था DIST, तो अगर मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन डिस्टेंस पूरा लिखना चाहता हूँ DISTA, तो आप मैं इधर से पूरा कर देता हूँ ANDA
और सी इसके साथ लगा देता हूँ तो ये हमारे पास इधर इसका पूरा बन जाएगा डिस्टेंस। आप इस तरीके से प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, करने के बाद मोड बटन को प्रेस करके वन प्रेस कर दें और इधर से आप दोबारा प्रोग्राम को रन कर लें, इसके अंदर अपना डेटा इनपुट कर दें, जो भी आप करना चाहते हैं। नॉर्थिंग ईस्टिंग आपके पास है। स्केल फैक्टर के मुताबिक मैंने आपको बता दिया, जितना बाज जगहों के ऊपर स्केल फैक्टर होता है। तो अभी आप देखेंगे कि प्रेस किया तो डिस्टेंस इधर से पूरा का पूरा लिखा हुआ आ गया है। पहले हमने DIST लिखा था। इसी तरीके से जो भी आपका फार्मूला इधर से गलत होता है या आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहते हैं तो इधर से डिलीट कर सकते हैं डिलीट का बटन प्रेस करने के बाद। तो इसी तरीके से ये प्रोग्राम सारा मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।